GT Holidays, South India's number one travel brand. Govi, a vernacular edutech brand, skilling everyone everywhere. मुझे आज भी लगता है कि अगर विक्की और मेरी झगड़े में कभी मैं सही भी रही हूँ और मैंने अगर सॉरी बोला भी है तो I don't mind it क्योंकि मेरे लिए वो रिश्ता ज़्यादा मैटर करता है ना कि मेरा सॉरी बोलना और मेरा ईगो. सबसे तो पहली बात तो है जब कोई रोता है ना उस घर में मैंने हमेशा मैं हूँ इमोशनल लड़की मुझे अभी लगता है मैं अभी भी रो दूंगी मुझे लगता है

तो क्या हो गया यहाँ पे कंपेरिजन जब होने लगता है ना तो प्रॉब्लम होने लगता है जब उसने ये चीज बोली थी कि समथिंग ही सेड अबाउट कि क्यों शादी की है तो यू you जी know, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ बोलने के लिए अभिषेक को अब कुछ नहीं है क्योंकि जो मुझे बोलना था मैंने सच में वहां पर सुनाई है लेकिन ये लोगों की मर्जी लोग क्या सोचते हैं मुझे सच में पता है कि मैंने विक्की से क्यों शादी की है और विक्की ने मुझसे क्यों शादी की है ये फैक्ट है लाइफ का जिसमें हमारा प्यार सबसे बड़ी चीज़ है हमारे रिश्ते की हमारी ताकत हमारा प्यार है हमारे लड़ाई में भी हमारा प्यार था उसको एक सेटिस्फैक्शन है कि वो लड़कियों में ऊपर आई है सबसे पहला लेटर टेक दैट

अंदर वो वीकनेस की तरह भी लगा और एक्सेप्टेंस लगा कि शायद आप गलत हो इसलिए आप सॉरी मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी अगर किसी को अगर मुझ में वो हिम्मत है कि मैं किसी को जाके सॉरी बोल दूँ तो मेरी बहुत बड़ी ताकत है वो सॉरी बोलना आसान नहीं लोगों की मुझे सॉरी नहीं निकलता जब तक बहुत कुछ बड़ा ना हो जाए मुझे हमेशा लगता है कि अगर मेरी गलती भी नहीं है और अगर किसी इंसान को जस्ट टू सॉर्ट दैट आउट अगर मुझे वो चीज़ करनी है तो आई डोंट माइंड सेइंग सॉरी मेरा ये ये मेरा नेचर है मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है मेरी ताकत है अगर मैं सॉरी बोल के चीजें सॉर्ट करके उन्हें बांध कर रख सकती हूँ तो मुझे आज भी लगता है कि अगर अभी क्यों मेरे झगड़े में कभी मैं सही भी रही हूँ और मैंने अगर सॉरी बोला भी है तो आई डोंट माइंड इट क्योंकि मेरे लिए वो रिश्ता ज्यादा मैटर करता है ना कि मेरा सॉरी बोलना और मेरा ईगो तो इट्स ओके बट हाँ कहीं कहीं अगर आ, कंटेस्टेंट्स को ये लगा हो वो मेरी वीकनेस है और मैं वीक हूँ उस मैटर में तो आई थिंक वो स्ट्रेंथ शायद किसी और में नहीं है जो मुझ में है मुझे ये फीलिंग आती है तो एंड आई वॉन्ट टू से दिस नैन सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता Absolutely. मुझे लगता है सॉरी बोलना एक यू एक, नो you know, ये मुझे शायद सिखाया नहीं है घर में कि यू नो सॉरी नहीं बोलना चाहिए ये ना मेरे घर में हमेशा बोला है अगर गलती है ना तो बोलो

बट अफकोर्स यू नो शर्ट आई डोंट नो सो मुझे ऐसा लगता है मैंने उस घर में ना बहुत लोगों को रोते रोते देखा हुआ है कॉर्नर कॉर्नर में में रोते थे uh, मुझे लगता था उस घर ना कोई नहीं आपके पास जो आपको बोले हग मी टाइट मैं हूं ना यू नो आप लड़ते हो सबसे डेफिनेटली बट uh, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मोमेंट होता है जहां मुझे याद एक बार मनारा थी और वो बहुत रो रही थी एंड uh, उसको घर जाना था और मैं उसके पास गई मैंने उसको पकड़ा मैंने मैंने उसके ऊपर बैठ गई थी लिटरली मतलब क्योंकि उस टाइम पे ना आपको एक किसी एक इंसान की जरूरत आपको पकड़ लो यू नो तो वो एक फीलिंग होती है तो आ, मुझे लगता है मुझ में वो है वॉम्थ टू गिव पीपल बहुत है मुझ में वो वॉम्थ है कि मैं वो दे सकती हूँ शायद लोग मुझे मिसअंडरस्टेंड कर सकते हैं मेरे बारे में बातें कर सकते हैं बट उस मोमेंट पे मेरे को जेन्यूनली लगा कि मुझे उस इंसान के साथ रहना चाहिए चाहे वो ईशा हो चाहे वो मनारा हो चाहे वो सना हो चाहे वो कोई लड़का अभिषेक हो फॉर देट मैटर चाहे वो मुनवर हो मैं आयशा आयशा हो इतने you know, खानजादी।, इत, खानजादी हो आई थिंक मैं इतने लोगों के साथ यू uh, नो you know, मुझे टाइम लगा कनेक्ट करने में लेकिन मैं अपनी तरफ से बहुत जेन्यूनली वहां पढ़ती मेरा कोई पर्पज नहीं था वहां पर रहने का मुझे लगता था इस बंदे को अभी जरूरत है और मैं लिटरली बोलती थी मैं हाथ लेती थी टाइट पकड़ ले मुझे पकड़ ले क्योंकि मेरे घर में ना छोटी बहने मेरी आशु है मेरे पास आशिता जो मेरी छोटी बहन वो हमेशा ना वो बहुत मतलब बहुत अक्खड़ है वो बहुत उसको ऐसा है कि नहीं मैं नहीं झुकूंगी मिंटी दी के सामने न, पर मैं उसको हमेशा बोलती हूँ आजा, हग कर ले। मैं उसका हाथ पकड़ती उस उस सब अकेले आए थे सब अकेले थे मेरे पास फिर भी मेरा हस्बैंड था लेकिन किसी के पास कोई और नहीं था मुझे लगा शायद मैं उस टाइम पे उस इंसान के साथ होनी चाहिए हो और मैं वहां रही मेरा बस उतना ही मकसद था लेकिन हाँ लोगों को लगता था शायद यू नो ऐसे नहीं हो सकता ये क्यों ये किसी मकसद से मेरे पास होगी या किसी पर्पज से होगी लेकिन जेन्यूनली नैन मैं ऐसी ही हूं और मुझे आज भी कोई रोते हुए दिखता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे लगता है कि शायद इसको बस एक हक की जरूरत है इसलिए जब मेरे विकी के झगड़े होते हैं मैं विकी को बार बार एक ही चीज बोलती मुझे बस हक कर लेना तू जब मैं रो ना मुझे बस हक कर ले एंड दैट्स ऑल आई नीड इन माई लाइफ अगर मैं अपसेट हूं ना मैं मेरे कुछ बोलने से पहले जस्ट हक भी एंड आई बी डन फॉर दैट मतलब मेरे को वो झगड़ा अपने आप खत्म क्योंकि मुझे पता है उस हक की की क्या वैल्यू जो बोलते हैं ना मुन्ना भाई झप्पी मतलब वो बहुत जरूरी है में। मुझे लगता है कि दिन भी बैठी हाँ, मुझे है तुम अपना दोस्त मानोगी आई थिंक दोस्त बहुत बड़ा शब्द है लेकिन जिनको जिन, जिन, जो मुझे अच्छे लगते हैं आई रियली लव दैट और मैं उससे बात करती रहती हूँ फोन पे वो बोलती अंकिता दी यार आजा <laughs> वो दिल्ली में कहीं बैठी अंकिता दी यार क्या कर रही हो सो आई रियली वॉन्ट आर वो जेन्युइन लड़की लगती बहुत थी। मुझे है मुझे वो खड़ी रही डूड मतलब वो थी हमारे बहुत जन्यून साथ। जन्यून जब तक मतलब उसने जब उसको पता चला की अंकिता भाई अंकिता दी और विकी भाई क्या है

शी ऑल्सो गेव दट बॉन्ड यू नो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसके बाद सना है सना और विकी की बहुत अच्छी दोस्ती है सना और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है आई थिंक सना को जितना विकी ने तो झगड़ता ही रहा लेकिन you know, मेरा उसके साथ झगड़े उस में बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया कहीं ना कहीं उसके बाद आयशा है मुझे आयशा सच में बहुत अच्छी लगती है मुझे ऐसा लगता है वो बहुत स्ट्रॉग लड़की है और यू uh, नो uh, you know, इस एज में उस प्लेटफॉर्म पर आके अपनी चीजें इतनी वोकल करना और बोलना इट्स नॉट ईजी जहां आपको लोग अगेन जज करते हैं बट शी इज अ वेरी स्ट्रोंगल एंड ए रियली लाइक

वहां पे जब तुम दोनों थे तब ऐश्वर्या और नील के साथ बहुत तू तू मैं तु -तु मैं तू तू मैं मैं होता रहता था और बाहर आने के बाद ऐश्वर्या और नील ने तुम्हारे और विकी के रिलेशनशिप पे बहुत सारे सवाल उठाए और उन्होंने ये तक बोला है कि अपेरेंटली um, uh, विकी अ गुड हस्बैंड दिस इज ऐसा कुछ भी नहीं सर so, जब हम दूसरे शो में थे स्मार्ट जोड़ी में तो नीलबा अच्छा हस्बैंड करता था मतलब वो है बेसिकली तो विकी मैं बोलती देख यार विकी था उसका एक अलग तरीका है बहुत कहीं दिखावा लगता है मुझे थोड़ा बहुत एक्टिंग लगती है लेकिन ही इज अ गुड हस्बैंड फॉर श्योर बट मैं मैं विकी हमेशा उसको होता यार मेरे को तेरे जैसा बनना है यू नो हस्बैंड के लिए वो उसका मतलब ये था जिस तरीके से वो है यू नो विक्की इसका मतलब ये नहीं विकी इज अ रॉन्ग हस्बैंड यू नो विकी का अपना तरीका है प्यार करने का शायद वो नील में भी नहीं होगा जो विकी के पास तरीका है you know? यू तो वाइफ नहीं थी ना नील गुड हस्बैंड था लेकिन ऐश्वर्या तो नहीं थी तो क्या हो गया यहाँ पे कंपैरिजन जब होने लगता है ना तो प्रॉब्लम होने लगता है बट उसमें विकी का नील को बोलना कि यू you नो know, मुझे तुझसे सीखना है अगर विकी कुछ सीख सकता है अच्छी चीजें नील से डेफिनेटली सीखे क्योंकि वो सच में एक यू you नो know, वो शांत है वो समझ जाता है चीजें बट फिर तो मुझे भी सीखनी चाहिए फिर किसी गुड वाइफ से क्योंकि मैं भी आई डोट ऑल्सो कम इन ट्रू दैट कैटेगरी जहाँ पे मैं भी बहुत गुड वाइफ हूँ या मैं भी सुन लेती हूँ सो so, हमारे यहाँ क्या हो गया नील बात रहता था ऐश्वर्या बहुत बोलती थी लेकिन हमारे हम दोनों तो क्लाशेटली तो हम कैसे शांत रहे इस मैटर में जाकि मुझे याद है एक बार ऐश्वर्या खुद नील को बोली थी कि नील तु तो जो एक्टिंग कर रहा है ना मत कर ही तू तो कैमराज देख के जो अपनी इमेज बना रहा है ना मत कर तो उसे भी कहीं ना कहीं लगता था कि यू नो से बोला अभी एपिसोड में देखा मेरे इंटरव्यू में भी ऐश्वर्या

हम पीछे सभी बोलते हैं लेकिन गुड थिंग इफ यू दैट अच्छी बात है जो हम नहीं और गलत बात है कि हम नहीं कर पाए बट दिस इज शायद मुझे लगता हैं, हो मुझे लगता है है मुझे शो के हिसाब से उस शो से एक्चुअली सिर्फ चीजें सीखी और कुछ नहीं बट अंकिता उधर जहाँ पे तुम्हारी और विकी की रिश्ते की बात हो रही थी वहां पे अगर ऐसे एलिगेशन लगाए गए कि पता पता है हमको अभिषेक ने जैसे बोला था कि पता है कि लड़किया मतलब तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी क्यों है इट पता नहीं क्या उसको but, क्या पता था, मतलब था. Hmm. 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 रिंकू जी क्योंकि क्यों वो औरतों के मामले में बहुत स्टेप्स hmm. um, लेती थी वहीं बैठी थी उन्होंने उन्होंने बोला कि नहीं विकी ने भी बोला पर विकी को भी आपने बोला है कि तुमने ये पेलना बोला राइट बट yeah, क्या आपको नहीं लगता कि वहां पे औरतों को जो थोड़ा सा बेइज्जत करने वाली जो मतलब, जो मतलब करने वाली कुछ बातें हो रही थी वो नॉर्मलाइज हो रही थी बिकॉज अदर पीपल वर नॉट टेकिंग स्टैंड लाइक यू इफ यू आर टेकिंग स्टैंड अगेंस्ट मुनावर आफ्टर लिसनिंग टू ऑल्दो यू मुनावर वॉज लाइक योर ब्रदर वेरी क्लियर

मुद्दे पर भी मैंने अपना एक स्टैंड लिया था जब उसने चीज बोली थी शायद मेरा झगड़ा ही वहां से हुआ था जब उसने चीज बोली थी कि समथिंग ही सेड अबाउट कि क्यों शादी की है तो यू you नो know, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ बोलने के लिए अभिषेक को अब कुछ नहीं है क्योंकि जो मुझे बोलना था मैंने सच में वहां पर सुनाई है और मेरे बाद सलमान सर वहां पर आए थे और उन्होंने अच्छे से उसकी यू नो जो भी सलमान सर को बोलना था लेकिन इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग कि वहां जो लोग बैठे होते जो अभिषेक के ही लोग थे और शायद कुछ लोग मेरे जो कुछ नहीं बोलते हैं उस घर में

बट uh, जब वही सेम चीज अंकिता के साथ हुँ। हुआ तो आपने स्टैंड नहीं लिया हुँ। तो ये मुझे थोड़ा है है ना उनको उन, मुझे लगता कि वो उनका रिलेशन था जिनके साथ उन्हें मेंटेन करना था शायद मेरे साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था तो उनको नहीं करना था सो इट्स ओके विकी को बार बार ये सुनाया गया है कि आप तो अंकिता लोखंडे के हस्बैंड हो इसीलिए आप यहाँ पे आए हो और बहुत बार ये मीन किया गया है

ठीक है जहाँ पे आप लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते मैं वहाँ किसी का मुंह बंद नहीं करवाना चाहूँगी हाँ मेरे एक तरीका होगा जिससे मैं जवाब वापस दूँ लेकिन ये लोगों की मर्जी लोग क्या सोचते हैं मुझे सच में पता है कि मैंने विक्की से क्यों शादी की है और विक्की ने मुझसे क्यों शादी की है ये फैक्ट है लाइफ का जिसमें हमारा प्यार सबसे बड़ी चीज़ है हमारे रिश्ते की हमारी ताकत हमारा प्यार है हमारे लड़ाई में भी हमारा प्यार था हमारी हर चीज में हमारा प्यार है सो आई डोंट वॉन्ट इवन आंसर दिस पीपल वॉन्ट टू थिंक दैट वे दे कैन थिंक आई एम नॉट आंसरेबल टू पीपल आई एम रियली नॉट आंसरेबल बिकॉज ये मेरे रिश्ते का भी रिस्पेक्ट है हाँ. अगर आपको सोचना है आप सोचो लेकिन मैं जानती हूँ और वो जानते हैं कि हमारा रिश्ता क्या है सो दैट्स द एंड ऑफ जाएगी, मुझे नहीं तो जो भी यहाँ पे बाहर कैमरे के बाहर से देख रहे हैं ये हम लोग आ, ये मुझे लगता है कि अ, अगर इट्स नॉट जस्ट बिकॉज मेरे लिए मुझे लगता है मुझे विकी के लिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी वजह से वो भी अफेक्ट होता है तो मुझे नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मी मैं अपने बारे में ना सोचकर कि ये अफेक्ट कर सकता है विकी को और वो करता है कभी कभी तो आई वॉन्ट टू डू दैट फॉर अस यू नो आई रियली वॉन्ट टू डू दैट फॉर अस सो दैट वो हमारे रिश्ते पे कहीं इम्पैक्ट ना है उस चीज का तो मैं बस इसीलिए उसको मैं अपने दोनों के लिए नॉट मैं इसमें मैं तो हूं ही वैसी बट मुझे अपने आप को क्यों बदलना है क्योंकि मैं एक इंसान से इतना प्यार करती हूँ और मेरी वजह से अगर उस इंसान पे कोई मुसीबत आ रही है जो मेरे रिएक्शन को लेकर या इमोशंस को लेकर बहुत ओवरवेलमिंग कुछ कभी कभी बहुत ज्यादा मैंने भी जब अपने एपिसोड में क्या क्यों तो मैं बस उस चीज के लिए हम दोनों को यू नो उस मुसीबत में ना डालने के लिए मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूंगी जाते-जाते यही पूछूंगा कि एक मुनावर ने लाइव किया है हम मुनावर ने लाइव में एक्चुअली मनारा ने लिखा है कि आई एम द विनर इन फीमेल कैटेगरी एंड उसमें मुनावर ने उसका एक मॉक किया उसको देखा मैंने ठीक है um, एंड मुनावर ने बोला है कि अंकिता इज अ विनर इन वाइफ कैटेगरी कैटेगरी

थिंग रॉन्ग यारी इज ग्रोइंग यू नो उसको ग्रो करने दो बहुत बड़ी जिंदगी है एंड आई रियली विश आर द बेस्ट बिकॉज मैंने हमेशा एक चीज देखी है बोल देती है चीजें उसको समझ में नहीं आती है वो क्या बोल रही है बट उसको भी शायद आगे चल के कहीं ना कहीं उसको रियलाइज होंगी चीजें जो उसने शायद कहीं गलत बोली नहीं भी हो तो उसका उसका करियर है लेकिन हाँ अगर वो ये स्टेटमेंट डालती भी है ना इट्स ओके यार उसने जीता है ना यार को तो सच में ही जीता है आप कुछ नहीं कर सकते वो सच में लड़कियों में नंबर वन आई है सो लेटर टेक दैट ब्राइट इट्स ओके

और एक्टिंग यू नो आई लव दैट आई, यू नो वो अब मैं वापस अपने आपको जब पर्दे पे देखूंगी आई थिंक वो सबसे बेस्ट डे होगा क्योंकि आई 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 एम रियली क्रेविंग फॉर दैट एंड एंड वांट वांट टू टू गो बैक स्टार्ट वर्क, ऑलरेडी स्टार्टेड, बट अब एक्साइटमेंट और है। okay. GT Holidays, South